अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा के वार्ड नंबर 23 की आजाद पार्षद कमलेश रानी अपने परिवार के साथ वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी में शामिल। वित्त मंत्री द्वारा आजाद पार्षद का कांग्रेस पार्टी में हार्दिक स्वागत किया गया। मनप्रीत बादल ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान में बठिंडा और फिरोजपुर सीट से उम्मीदवारों की चर्चा लगातार जारी है। कोई अच्छा उम्मीदवार ही बठिंडा सीट के लिए उतारा जाएगा, क्योंकि जो अकाली दल ने बठिंडा सीट पर कब्जा कर रखा है उसे हटाना बहुत जरूरी है। प्रकाश सिंह बादल ने अपनी सरकार में पारिवारिक सियासत चलाई है। परिवार के कई मेंबरों को मंत्रियों के पद दिए, लेकिन इनके राज के समय बठिंडा का कोई विकास नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता अब की बार बठिंडा के लोग इनके झांसे में आएंगे। तकरीबन तो सारे हो गए हैं, हम दो सीटा बकाया रह गई, वो फिरोजपुर ते बठिंडा, और उसते जे इन्हां दी मुशावरत चल रही है, क्योंकि मैं तो उस मीटिंग च नहीं बैठता। मैं भी अज अखबारा च ही पढ़िया कि उन्होंने फैसला किया कि ये दो सीटा जे उन्होंने बैक बर्नर ते रखी हुई है। सब पार्टी दे उस नाल फैसलिया ना चलता है, मन ना होना खोना ये नहीं, वट एवर पार्टी डिसाइड। फिर विजेंद्र सिंगला उन्होंने जवाब दिता, नवजोत सिद्धू ने जवाब दिता, कारण की है? नहीं, सवाल ये नहीं है कि कोई भजन आली गल नहीं है। मैं तो लगता कि अकाली दल ही भजा पिया, क्योंकि अकाली उन्होंने तो आप ही पार्टी है। उन्होंने तो कहीं राहुल गांधी जी नहीं पुछना, उन्होंने अहमद पटेल नहीं पुछना, उन्होंने वेणुगोपाल नहीं पुछना, उन्होंने आप ही दसना है। वो भजे तो वो है। देखो इस तरह है कि हरसिमरत लड़ रही है कि नहीं लड़ रही, तुम लोकल हो, 10 साल तुम भी उन्होंने मतलब सारिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, एडी संघ आली कीड़ केड़ी गल है दसण च भी वह लड़ रहे कि नहीं। वह कांग्रेस के कैंडीडेट देख रहे कि कांग्रेस का कैंडीडेट कौन। जी कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी है, सीईसी है, दिल्ली बैठती है। कल उन्होंने क्योंकि पंजाब च बाकी सीटा की तो जेडे ना से नशर हो गए, वो बकाया चार रह गए, चारा चो भी दो जेडे फाइनल हो गए। हुण बठिंडे ते फिरोजपुर का अजे जी मुशावरत चल रही है, क्योंकि चाहते हैं कि बेहतर तो बेहतरीन कैंडीडेट जड़ा है वो लोगों के सामने लियाया जाए। और जो अकाली दल का इस बठिंडे जिले ते पिछले 10 साल का एक किस्म का गलबा है, लोग उन्हां दी नीतियां तो बदजन हो चुके हैं। पता नहीं थोड़े सुनने वाले इस गल नूं अप्रीशिएट करनगे कि नहीं, कि 10 साल अकाली दल का राज रहा, बादल साहब पंजाब के सीएम सीगे, बादल साहब का बेटा जिहड़ा सी वो डिप्टी सीएम सीगा, उन्हां दी बेटे की जिहड़ी घरवाली सी जिहड़ी साडे मौजूदा एमपी ने इत्थों, वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर सीगे, वो बेटे का जिहड़ा साला सीगा वो भी पंजाब की काबीना का और बड़ा मशहूर हिस्सा सीगा, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर सी। इन्हां दा जिहड़ा जवाई सी कैरो साहब वो भी कैबिनेट का मिनिस्टर सी। इस तो ज्यादा मतलब कहने का मतलब भी परिवार दे विच कोई भी बंदा जिहड़ा बालग है, बालग का मतलब हुंदा जिहड़ा 18 साल की उम्र तो वड्डा है, वो मिनिस्टर सी कैबिनेट का। और बावजूद इसके बठिंडे के मसले जिहड़े है ज्यों दे त्यों पए है, मसले लमकदे आ रहे हैं, और जे 10 साल च नहीं कर सके और इनिया पोजिशनों तो बाद नहीं कर सके, सीएम डिप्टी सीएम यूनियन कैबिनेट एदू उत्ते तो रब हुंदा है, और रब लोग बना नहीं सकते, ये तो सीएम ते कैबिनेट मतलब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ही बना सकते हैं। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी जे कुछ नहीं होया तो फिर अगले 5 साल तो मैनू लगता है शायद बठिंडे के लोग सादे जरूर है, पर इन्ने भी सादे नहीं है कि इन्हां दी गल्लां दे झासे च आ जाण। ये दरअसल जिहड़ा एम्स दा वारी वारी जिहड़ा छेड़ लेना, ये मकसद ये नहीं सी कि कोई अड़िका पाया, पर सिमरत तां सिर्फ इस गल नूं एक किस्म दा ये हर वेले प्रेस दे विच उछालना चाहुंदी है
कि जिहड़ा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज बठिंडा बन रहा है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है पंजाब यह 100% उन्होंने फंडेड स्कीम है और हरसिमरत सोच रही है कि इहदा क्रेडिट जिहड़ा है वह मैनू दिता जाए यह कितने स्टेट गवर्नमेंट ना लै जाए। हालांकि मैं थोनू याद करवाउंदा जावां कि हरसिमरत दा तां इहदे आपदे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਤਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸ਼ਬਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਬਾਦਲ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਦਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸਵੇਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਢਿੱਲੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 5000 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੋੜੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਟਰੱਕ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਰਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ 33,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਵਰਤ ਲਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਜਿੰਦਰ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਇਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇ।